फिर जाके वो कमरे में गया है, गरम करा है चिमटा को, अच्छा सरिया गरम करके इनको बांध दिया, तब जाके दागा है। सब कहता है छोड़ दो, नहीं माना ये। तो मकान मालिक ने पुलिस वाले को रिश्वत दे दिया और उनको छोड़ दिया। अच्छा। और इनके मम्मी पापा को पकड़ लिया। अच्छा। और घेर वाले गए तो छुड़वा के लेके आए। तो क्या कोई धमकी भी दी थी आप लोगों को? हाँ दी थी, इनकी मम्मी को दी थी कि तुम ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में, जहाँ पर एक बच्चे के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। बच्चे के साथ मारपीट की गई और उसके बाद गर्म चिमटे से उसके शरीर पर कई बार हमले किए गए, जिसके चलते उसके हाथ पर, उसके कान पर और उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। जी हाँ, गर्म चिमटा करके बच्चे के शरीर पर लगाया गया। महज 10 साल का छोटा बच्चा था और इसमें बड़ी बात यह है कि जो ये पूरी क्रूरता की गई वो एक महिला के द्वारा की गई, जो खुद एक बच्चे की माँ है, उसके द्वारा एक दूसरे बच्चे को इस प्रकार से अमानवीय तरीके से दरिंदों की तरह चिमटा गर्म करके चला दिया गया और उसके बाद उस बच्चे पर चोरी का आरोप भी लगाया। इस पूरी वारदात पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उस नाबालिग लड़की की बड़ी बहन, उससे बात करते हैं और क्या पूरी वारदात हुई थी वो जानते हैं। क्या नाम आपका? रानी। जब आपके भाई को मारा गया था, कोई कारण पता है क्यों पीटा गया था उसे? जो जलाया है ना जिनने, वो सोचे कि वो सरिया चुराने जा रहा है पर वो अपनी मम्मी के काम पे जा रहा था, तो एक लेबर ने पकड़ के दे दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आंटी ने खंबे में बांध कर उन्हें चिमटे से जलाया। आंटी रोटी बना रही थी, पहले पीटा भी था। हाँ। और उसके बाद फिर चिमटे जलाया। हाँ। कोई और भी था क्या इस पूरे जो ये वारदात हुई, उनके साथ कोई और भी था? उनके लड़के थे। अच्छा, उसने भी मारा था? नहीं, वो चाहते नहीं थे, उन्हें उनकी माँ ने जबरदस्ती उनसे चिमटा गर्म करवाया था। अच्छा, और फिर गर्म चिमटे से कई बार जलाया। हाँ। अच्छा, इसके अलावा क्या फिर पुलिस ने क्या एक्शन लिया, कुछ पता है आपको? इधर घेर वालों ने ही पुलिस को फोन किया और फिर पुलिस गए उधर, तो उन्हें लेके गए, पहले इनको अस्पताल लेके गए फिर इनको लेके गए, तो इनके इन वाले ने बोला ना कि इनका घर ही खाली करवा देंगे, तो मकान मालिक ने पुलिस वाले को रिश्वत दे दिया और उनको छोड़ दिया। अच्छा। और इनके मम्मी पापा को पकड़ लिया। अच्छा। और घेर वाले गए तो छुड़वा के लेके आए। तो क्या कोई धमकी भी दी थी आप लोगों को? हाँ दी थी, इनकी मम्मी को दी थी कि तुम ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। और बच्चों को भी कुछ कहा था किसी ने? वो और बोला था ना कि तुम्हारा आना जाना इधर है, अगर जो तुम लोग ज्यादा इधर आओगे जाओगे तो देख लेना तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। क्या करेंगे, कुछ बताया उन्होंने ना? अच्छा, बस इतनी धमकी थी। तो ये बात आपने पुलिस को बताई, ये सब हुआ जब ये सब हो गया उसके बाद? पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी तक? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की। क्या नाम है मैडम आपका? पूनम। और आप बच्चे की क्या लगते हैं? पड़ोस में ये पूरे जो घटना हुई थी, क्या पता है आपको इसके बारे में? हमारे ये पता है, 4-5 बच्चे गए थे साथ में, जामुन के पेड़ है वहाँ पे, जामुन तोड़ने गए थे। ठीक, सब बच्चे को मतलब वो डांटा, सब बच्चे तो भाग गया, वो नहीं भाग पाया लड़का, उनको पकड़ा, उनकी लड़का भी है जो लेडीज ने पकड़ा था इनको। ठीक, फिर उनको पकड़ के उन लड़का कह रहा है उनकी छोड़ दे मम्मी छोड़ दे, मिस्त्री वो काम कर रहा था उनके मकान में, वो मिस्त्री उनको पकड़ कर दिया ये लड़का को, फिर जाके वो कमरे में गया है, गरम करा है चिमटा को, अच्छा सरिया गरम करके इनको बांध दिया, तब जाके दागा है। सब कहता है छोड़ दो, नहीं माना ये। जब जाके ये इनको दाग दिया, घर आया भाग के, तब हम सब गए थे सर वहाँ पे, तब हम सब बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आज तुम इनको जला दिए, कल को किसी के बच्चा को जला सकते हो तुम। ठीक, आज ये किसी और की है, कल को हमारे भी हो सकता है, तुम घर में ले जाके को जान भी ले सकते हो, अंदर में हिम्मत कैसे हुआ कि उसमें जलाऊं मैं गर्म करके चिमटा। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? तो इतना तो बस, पुलिस आया वहाँ पे, उन्होंने पैसे दिया, सबके सामने दिया था पैसे, हैं तो जाके इनको बोला कि चल, ये तो थी नहीं, ये काम पे थी, तब मैंने बोला इनको फोन करो, वो एक लड़की है उनके फोन से, ये है ना,
उनके फोन से फोन करवाए वो लेडीज। तो मासूम बच्चे की बड़ी बहन की बात इस वक्त हमने सुनी, उन्होंने पूरी वारदात एक एक पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताई कि किस प्रकार से छोटे बच्चे को निशाना बनाया गया, पहले उसे खंभे से बांधा गया और उसके बाद दरिंदगी की हदें पार करते हुए गर्म चिमटे से उसके शरीर को कई बार जलाया गया। वो तस्वीरें भी आपने देखी जहाँ पर बच्चे के शरीर पर चिमटा गर्म करके लगाया हुआ, कितना गहरा घाव बन चुका है। और बता दें कि छोटे बच्चे ने ये भी बताया कि जब इसके बाद कार्रवाई की मांग की गई तो उल्टा उसी बच्चे की मां को उठाकर पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया और बाद में जब दबाव बनाया गया आस पड़ोस के लोगों द्वारा तो उस महिला को छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहां पर दिल्ली पुलिस की भी लापरवाही सामने आ रही है और ये जो ढीला रवैया है दिल्ली पुलिस का वो भी साफ हो रहा है कि किस प्रकार से लोगों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं कि आपराधिक घटनाएँ करने से पहले एक बार भी लोग नहीं सोचते। बीच सड़क में दिन दहाड़े एक छोटे मासूम 10 साल के बच्चे को खंभे से बांधकर पीटा जाता है और उसके बाद उसे चिमटे से जला दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को भी टैग करें ताकि उनको भी पता चल सके कि राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र से कैसी अमानवीय घटना सामने आई है। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।